नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूँ साया अंजलि, आपकी टैरो कार्ड रीडर, और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सितंबर 2016 का साप्ताहिक भविष्यफल। यहाँ खुलेंगे राज एक एक राशि के टैरो कार्ड्स के साथ। तो चलिए सुनते हैं भविष्य की कहानी टैरो की जुबानी। प्रोफेशनल फ्रंट पर मेष राशि वाले जातकों, यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा पैदा करना पड़ता है और वह जुनून और लगन आप में है। आप कठिन परिश्रम करके अपने स्किल्स फाइन ट्यून कर ही लेंगे। मंजिल तक पहुंचना है तो राह के कांटे ऑब्स्ट्रक्शन से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो हैं जो आपकी रफ्तार बढ़ा देते हैं, और आपकी रफ्तार इस वीक तेज है और आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं फ्यूचर सक्सेस के लिए थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड एक्सेलिंग अपने फील्ड ऑफ वर्क में। सुपर्ब टाइम ऑन है एरीज मीन राशि वाले जातकों के लिए। एडवांसमेंट टाइम ऑन है, आपके इरादों में जीत की गूंज सुनाई दे रही है। हेल्थ एरिया में कोल्ड्स एंड कॉफ्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वे यकीनन खत्म हो जाती हैं। अपनी लाइफ में अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। याद रखें ये टिप, आपके रिश्ते जरूर संवारेगी। आपका लकी कलर है ग्रीन, और टैरो टिप आपके लिए, शाम के समय सूरज ढलने के समय किसी बाहर के व्यक्ति को दूध दही नहीं देना चाहिए। घर की बरकत पर असर होता है और घर की लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाती है। चलिए अब चर्चा करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। देखते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से तीन कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर वृषभ राशि वाले जातकों, शांति के बराबर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई बड़ा सुख नहीं, दया से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं। इस वीक आपका दया का धर्म सही तरीके से निभा रहे हैं आप। आपकी सोच भी बहुत सही है। आपकी सोच, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है, यह सोच आपको पेबैक्स जरूर दिलाएगी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और मेहनत के फल के रूप में। पैसों की बरकत होगी और ऋणों के भुगतान होंगे। न्यू जॉब्स या न्यू प्रोजेक्ट्स कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। पार्टनरशिप भी सुपर्ब चल रही है। इस वीक आप कोई क्रूशियल डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर, प्रोज एंड कॉन्स वे करने के बाद। हेल्थ एरिया में हेडेक्स हो सकते हैं ड्यू टू आई स्ट्रेन। ट्रैवल एरिया में शॉर्ट हॉलिडे ट्रिप विद लव्ड वंस इंडिकेटेड है। इमोशनल एरिया में आप उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नियत खराब है। आज पहचान भी है मुश्किल, मुखौटों के दौर में दिखता है भेड़िया भी इंसान की तरह। कैसे हो पाए इंसान की पहचान, दोनों नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। सावधान रहो, परखो और पहचानो। आपका लकी कलर है ग्रे, और टैरो टिप आपके लिए, संतान की चाह है तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीले पदार्थ दान करें। चलिए चर्चा करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। देखते हैं यह वीक कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों का इन तीन टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर मिथुन राशि वाले जातकों, मत सोचे कि आपका सपना क्यों अधूरा है, पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इस वीक आपके काम के प्रति निराश हैं आप,
डिसइंटरेस्टेड भी हैं। आप अपने ड्रीम्स सपनों पर गौर करें, वे आपको गाइड करेंगे और सही आंसर सॉल्यूशंस देंगे। प्लान्स चेंज करें और प्रयास जारी रखें। सफलता ज्यादा दूर नहीं है और सपने पूरे अवश्य होंगे। हिम्मत और इरादे बरकरार रखें। हेल्थ एरिया में मूड स्विंग्स ऑन है तो जाहिर है हेल्थ पे असर जरूर होगा। ट्रैवल एरिया में प्लान्स फॉर बिजनेस ट्रिप पोस्टपोन्ड हो गए हैं। इमोशनल फ्रंट पर मिथुन राशि वाले जातकों, रिश्ते की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। आप में निभाने का वो हुनर है और आप रिश्तों की अहमियत बखूबी समझते हो, तो जाहिर है पारिवारिक माहौल आपके घर खुशनुमा होगा और दाम्पत्य जीवन में भी परस्पर प्रेम होगा। आपका लकी कलर है येलो और टैरो टिप आपके लिए, घर पर रॉक सॉल्ट लैम्प जलाएं, ये घर पर सुख समृद्धि लाता है और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब चलिए चर्चा करते हैं कैंसर कर्क राशि की, देखते हैं क्या है खास इस सप्ताह कर्क राशि जातकों के लिए इन तीन टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर कर्क राशि वाले जातकों, जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। इस दौर में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपए के लिए इंसान गिर चुका है। दुनियादारी और दुकानदारी सिखा देते हैं मक्कारियां। कभी मकसद, कभी मंसूबे और कभी चाल, जिनके कारण मन की शांति भंग है। आप में कंपेटिटिव स्पिरिट होना अच्छा है, पर फेयर प्ले करें, चेक करें अपने मकसद और मंसूबों को, क्या वो सही है, फेयर है। हेल्थ एरिया में स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स हैं। ट्रैवल एरिया में प्लान्स फॉर हॉलिडे ट्रिप विद फैमिली बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर कर्क राशि वाले जातकों, जो चीजें हमें अतीत से फंसा के रखती हैं, वे हमें दुखों में भी फंसा कर रख सकती हैं। गुड न्यूज, आपका पुराना प्यार वापस लौट कर आ सकता है इस वीक, जिसके कारण आप इनडिसाइसिव, इनसिक्योर और कंफ्यूज रहेंगे। पुराने बंधन प्यार के जागृत हो सकते हैं। दिस वीक पारिवारिक माहौल भी थोड़ा तनावग्रस्त होने की संभावना है। आपका लकी कलर है ब्राउन और टैरो टिप आपके लिए, यदि आपका बच्चा जिद्दी होता जा रहा है और हर बात पर जिद करता है, तो बच्चे को मोर पंख से बने पंखे से हवा करें या अपने घर के सीलिंग फैन पर मोर पंख चिपका दे। इस टिप से आपका बच्चा जरूर जिद करना छोड़ देगा। चले चर्चा करते हैं लियो सिंह राशि के बारे में, देखते हैं सिंह राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से तीन कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर सिंह राशि वाले जातकों, दिस वीक मनी अक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन है, पैसा आ रहा है, लेकिन यह क्या, आप में डर, फियर, इनसिक्योरिटी बहुत है कल के लिए। अपने आने वाले कल की चिंताओं को आने वाले कल की सोच और योजनाओं में बदल देना चाहिए, तभी तो लक्ष्य हासिल होंगे। टाइम अच्छा है, आज अभी, तो फिर क्यों कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल, आज और कल के लिए, इंजॉय करें आज और बेटर कल के लिए। और आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस नींव रख रहे हैं बेटर फ्यूचर के लिए। आपका हेल्थ कार्ड दिखाता है हेडेक्स होने की संभावना है, आप आई टेस्ट जरूर करें। ट्रैवल एरिया में डेफिनेटली लैविश हॉलिडे प्लान्स विद लव्ड वंस बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर लियोस, आप बेहद इंटुइटिव हैं और आपके ड्रीम्स आपको मैसेज और सॉल्यूशंस देते हैं। गौर करें इन्हें
इग्नोर मत करें। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। कमाए हुए धन का दसवां अंश गुरु का है, इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। 24 घंटों में 3 घंटों पर आपका हक नहीं, यह समय गुरु का है। समय और पैसे का प्रॉपर वैल्यू और उपयोग करें, आपका इमोशनल कोटिएंट अपने आप सुपर्ब हो जाएगा। आपका लकी कलर है ग्रीन, और टैरो टिप आपके लिए, कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो हर बुधवार गाय और घोड़े को हरा चारा मसूर की दाल खिलाएं, तत्काल ही कर्ज उतर जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की, देखते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या खास है ये वीक ये 3 टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर कन्या राशि वाले जातकों, प्रॉब्लम्स ऑन है। जॉब प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स, बेशुमार प्रॉब्लम्स है ये वीक। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। पर ये क्या वर्गोस, आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं और तनावग्रस्त भी। आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इत्मीनान तो रखो। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह, किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकता है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। फिक्र छोड़ दें और मेहनत की सीढ़ियां यूज करें। हेल्थ एरिया में बीपी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की संभावना है जो आपको मेंटल पीस और ट्रैंक्विलिटी देगा। इमोशनल फ्रंट पर कन्या राशि वाले जातको, जब सही लगे तब समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। पर झुकना तब जब आपके सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी ना आए और ठेस ना लगे। पारिवारिक माहौल शांत और खुशनुमा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम में बढ़ोतरी होगी। आपका लकी कलर है ब्लू, और टैरो टिप आपके लिए, बिजनेस में प्रॉफिट्स मुनाफे बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन किसी सुहागन को सुहाग की समृद्धि दान करें, जैसे पायल, झुमका, नेल पॉलिश एक्सेट्रा। प्रॉफिट्स जरूर बढ़ेंगे, चेक कीजिए। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की, देखते हैं तुला राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से 3 कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर तुला राशि वाले जातकों, गुड न्यूज है। कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं सक्सेस, और यह एक्शन पैक्ड वीक है, फास्ट मूविंग इवेंट्स और एक्शन पैक्ड अपॉर्चुनिटीज। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी ही। गौर करें, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और लिब्रियंस इस वीक आपके हुनर प्रोमिनेंट होंगे। चाहे आप जॉब में हो या व्यापार में हो, आपके हुनर की सराहना डेफिनेटली और है दिस वीक, तो फाइनेंशियल गेन्स तो निश्चित ही हैं। हेल्थ एरिया में पुराने दर्द उभर सकते हैं। इमोशनल फ्रंट में तुला राशि वाले जातकों, आप गौर करें, जिंदगी में दो चीजें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। धोखा खाने वाले को तो वक्त के गुजरने पर सुकून मिल ही जाता है, मगर धोखा देने वाले को सुकून कभी नहीं मिलता। आप सुकून से जिए, पारिवारिक माहौल शांत और सुखमय रहेगा। आपका लकी कलर है ब्लू, और टैरो टिप आपके लिए, रिश्तों में कड़वाहट या कलेश दूर करने के लिए सैटरडे के दिन तला हुआ पदार्थ गरीबों को दान दें,
इस उपाय से ग्रह शांति जरूर होगी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों के बारे में। देखते हैं क्या है वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में ये तीन टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर वृश्चिक राशि वाले जातकों, जब भी लक्ष्य तय करो उसके लिए जुनूनी होना होगा। नाकामियों का आप पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने में कितना समय लग रहा है, विचलित होने की जरूरत नहीं। आप सही डायरेक्शन जा रहे हैं। अपना सोशल दायरा बढ़ाएं और साथ में ही आपकी कामयाबी का दायरा भी बढ़ेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस वीक आपके हौसले बुलंद हैं और आप रेडी हैं ऊंची उड़ान भरने के लिए। बॉन वॉयज स्कॉर्पियंस, हेल्थ एरिया में थकावट लग सकती है इस वीक। ट्रैवल एरिया में बिजनेस रिलेटेड ट्रिप के प्लान्स बन रहे हैं। इमोशनल फ्रंट पर वृश्चिक राशि वाले जातकों, एक बात ठान लें कि दिल की बात साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ से फासले। ओपनली व्यक्त करें अपने इनर थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को। दिस वीक पारिवारिक माहौल शांत है और आपको आपके लव वंस का भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। आपका लकी कलर है मरून और टैरो टिप आपके लिए, दुर्भाग्य से बचने के लिए ध्यान दें पूजा स्थान में बांस की बनी अगरबत्ती को कभी ना प्रयोग करें, क्योंकि बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ध्यान रखें ये टिप। चलिए अब बात करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि की। देखते हैं धनु राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से तीन चारों कार्ड निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर धनु राशि वाले जातकों, जब आपने हौसला और प्लानिंग बना लिया है ऊंचे उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। आपकी प्लानिंग और पॉजिटिव थिंकिंग जरूर मटेरियल गेन्स, मुनाफे लाएगी दिस वीक। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है और आप लगन और मेहनत करने में हमेशा तैयार होते हैं और मंजिल भी उन्हीं को मिलती है। सैजिटेरियस डेफिनेटली गेन्स, मुनाफे से भरा वीक है ये, और इसका श्रेय जाता है आपकी विल पावर और क्लियर जजमेंट को। तो सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल धनु राशि वाले जातकों आसमान है, रास्ता आपने खुद बना लिया है और बनाना है। हेल्थ एरिया में स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एलर्जीज, रैश होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में डेफिनेटली एयर ट्रैवल है टू द माउंटेन्स, पहाड़ों की गोद में। इमोशनल फ्रंट पर धनु राशि वाले जातकों, जिंदगी जब मायूस होती है जिंदगी तभी महसूस होती है। धनु राशि वाले जातकों, आजकल के रिश्ते गिरगिट हो गए हैं। आदमी का वक्त बदलते ही रिश्ते भी रंग बदल देते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। तो चले अपनों को पहचाने और वैल्यू करें उन्हें। आपका लकी कलर है बेज और टैरो टिप आपके लिए, बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए। इससे आपकी मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। ड्रॉइंग रूम और डाइनिंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। याद रखेंगे टिप। चलिए अब चर्चा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। देखते हैं क्या है खास इस वीक मकर राशि वाले जातकों के लिए इन तीन टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर मकर राशि वाले जातकों, गौर करें अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी को फैसले लेने का अधिकार न दें, अन्यथा आपकी जिंदगी आपकी कम रह जाएगी और दूसरों की अधिक बन जाएगी। फैसले तो आपको लेने हैं दिस वीक।
दो जॉब्स में या करियर ऑप्शंस में या पार्टनरशिप्स में जो बेस्ड होंगे फाइनेंशियल कंडीशंस पर। दिस वीक कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ न्यू बिजनेस और एंटरप्राइज, स्टार्ट ऑफ न्यू पार्टनरशिप्स और न्यू रिलेशनशिप्स। सक्सेस डेफिनेटली ऑन है, सफलता भी कौन है। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है, ठीक उसी तरह जिस तरह ऊपर वाले ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। हेल्थ एरिया में जॉइंट पेन्स ड्यू टू ओवरवर्क होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में डेफिनेटली बिजनेस रिलेटेड ट्रिप ओवरसीज है। इमोशनल फ्रंट पर मकर राशि वाले जातकों जो दिलों में शिकवे और जबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वो लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं और यह खूबी दम आप में है, इसीलिए तो आप इतने फेवरेट और पॉपुलर हैं सबके। जो लोग आप जैसे जज्बात छुपाने वाले होते हैं वे सबका ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं, सही है ना। लकी कलर आपका है पीच। और टैरो टिप आपके लिए, बॉन्साई पौधा ना घर में ना घर के बाहर लगाना चाहिए। बॉन्साई पौधा घर में रखने वाले सदस्यों का आर्थिक विकास रोकता है, सिर्फ देखें, अपने साथ घर न लाएं बॉन्साई पौधे को। चलिए अब चर्चा करते हैं अक्वेरियस कुंभ राशि की। देखते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वीक कैसा रहेगा इन तीन टैरो कार्ड्स के साथ। प्रोफेशनल फ्रंट पर कुंभ राशि वाले जातकों, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। पर यह क्या कुंभ राशि वाले जातकों, यह भी कार्ड्स इंडिकेट करते हैं लैक ऑफ वाइटल एनर्जी और इंस्पिरेशन की। गौर करें, सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है और कड़ी मेहनत ही समाधान है। काम ऐसा करें कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करें कि सुनते ही काम हो जाए। दिस वीक कोई न्यू प्रोजेक्ट में डिले होने की संभावना है। कार्ड्स का एडवाइस है ये वीक कि आप अननेसेसरी रिस्क जोखिम ना लें और अवॉइड करें गोइंग टू एक्सट्रीम्स। एक और बात, जब लोग यानी आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं और सर्कमस्टांसेस यही दर्शाते हैं, तो सफलता है दिस वीक। आप सिर्फ अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज पे जरा ध्यान दें। हेल्थ एरिया में मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। ट्रैवल एरिया में बिजनेस ट्रिप अब्रॉड डेफिनेटली इंडिकेटेड है। इमोशनल फ्रंट पर कुंभ राशि वाले जातकों, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं, भूलो उनकी गलतियां पर उनको नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में खुशियों की कमी कभी नहीं रहेगी। आपका लकी कलर है बेज। और टैरो टिप आपके लिए, घर में कलेश वाद विवाद खत्म करने के लिए शनिवार को आटा पिसवाएं या खरीदे, उसमें 100 ग्राम पिसे चने का आटा मिलाएं। ऐसा करने से घर के कलेश जरूर खत्म होंगे। चले अब चर्चा करते हैं पाइसेस मीन राशि की। देखते हैं मीन राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से तीन कार्ड्स निकलते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर मीन राशि वाले जातकों, जब दिमाग कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, जब दिमाग मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। और इस वीक आपको अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की बौछार है, जल्द इन्हें ग्रैब करें। ये अपॉर्चुनिटीज है एडवांसमेंट की और सफलता की। गुड न्यूज मेष राशि वाले जातकों, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, चेंज ऑफ जॉब और करियर। यह वीक एप्स लाभदायक है टीचर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए। हो सकता है आप अपने पुराने करियर या जॉब पर वापस लौट जाओ मॉनेटरी और सिक्योरिटी रीजंस के लिए, पर चेंज तो अवश्य है, घबराइए नहीं, ये चेंज फॉर द बेटर है।
हेल्थ एरिया में पेट संबंधित परेशानियां होने की संभावना है, खान पान पर अब ध्यान दें। ट्रैवल एरिया में ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं जॉब या बिजनेस के सिलसिले में। इमोशनल फ्रंट पर मीन राशि वाले जातकों, रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं, हम उसमें जितना जमा करते हैं उतना ही वे बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। तो इन्वेस्ट वाइजली और इन्वेस्ट करें अपने रिश्तों में और फिर निराश आप कभी नहीं होंगे। आपका लकी कलर है रेड और टैरो टिप आपके लिए गुलाब, चंपा और चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि मानसिक तनाव व अस्वास्थ्य में कमी आती है और इनकी खुशबू से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। A few lines आपके लिए viewers on tarot toast time। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं viewers, खुशियों को मनाने का अंदाज होना चाहिए। आशा है आपकी जिंदगी में भरपूर खुशियां हो। मिलेंगे फिर सेम टाइम नेक्स्ट वीक ऑन टैरो टाइम विद साई अंजली।